लता वर्मा, रुचि पानी मीना, सृष्टि वर्मा, सृष्टि वर्मा, सृष्टि गोयल, सृष्टि गोयल, पूजा कुमावत, मनीषा कुमारी, पूजा कुमावत, लता वर्मा, मनीषा कुमारी, बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं आए, सृष्टि गोयल, रिशिता कलाल, हाँ अब बेटा अनम्यूट करो, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, ये आज टू अनम्यूट बेटा, आवाज ये है, आवाज ये है, रिशिका, हाँ सभी लोग अनम्यूट कर दो। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। साक्षी आ गई, साक्षी आ गई, हाँ बेटा आपकी आवाज नहीं है उसपे, लता वर्मा सब अनम्यूट करो बेटा। लता वर्मा, रुचि कुमारी मीना, सृष्टि गोयल, पूजा कुमावत, मनीषा कुमारी, रिशिता कलाल और साक्षी एक गैलेक्सी और आई है। गैलेक्सी का नाम क्या है? गैलेक्सी नाम बोलो बेटा, गैलेक्सी M11, गैलेक्सी का नाम बोलो। ज्योति मीना, हाँ जी, गैलेक्सी बेटा योर नेम प्लीज, आपका नाम बोलो, गैलेक्सी, गैलेक्सी M11 इस जगह नाम कर डालो आपका, रुचि कुमारी मीना, ये गैलेक्सी M11 मत डालो बेटा, नाम क्या है गैलेक्सी आपका, नेम बोलो बेटा गैलेक्सी, अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस कैसे जाएगी गैलेक्सी, सुन लो बेटा गैलेक्सी, नाम डाल, नाम बोलो आपका गैलेक्सी M11, नाम बोलो, नाम बोलो गैलेक्सी M11, क्या बेटा शायद पूजा नाम है मैम इसका, पूजा नाम है, देख लेते हैं बेटा शायद, अच्छा बेटा कंफर्म, पूजा कुमावत बेटा, पूजा कुमावत, पूजा कुमावत तो स्क्रीन पे आ रही है, दूसरी पूजा है क्या बेटा, गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या नाम है, पूजा नाम है क्या आपका, क्या नाम है पूछ रही हूँ मैं, गैलेक्सी आरती मैम, मेरे मैंने तो नाम डाल रखा है, नहीं गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या, गैलेक्सी है मैंने तो, हाँ पूजा ने तो डाल रखा है, पूजा को मैं,
आपने क्या है बेटा? आरती है, क्या नाम है? आरती है मैम। अच्छा बेटा आरती डाल देना, तो आरती ठीक है, आरती लगा दी आपके अटेंडेंस ठीक है। ज्योति मीना आई गई, नीतू आ गई, नीतू बागड़ी, नीतू भी आ गई, ज्योति मीना आ गई, साक्षी केजरीवाल, साक्षी प्रेजेंट मैम। हाँ लगा दी बेटा साक्षी पिपलीवाल की, साक्षी पिपलीवाल। बेटा साक्षी सेकंड डे की क्लास में भी अभी आए थे क्या? नहीं साक्षी पहले आ गए थे क्या? साक्षी पिपलीवाल ये नहीं साक्षी। हाँ मैम पहले भी। अच्छा पहले मैम मैंने ज्वाइन की थी पहले। ओके बेटा ओके। नीतू बागड़ी, ज्योति मीना, साक्षी पिपलीवाल, साक्षी अलग है, ऋषिता कलाल, मनीषा बालाजी ने आ गए। तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी ठीक है। स्टार्ट आज क्या करें मैम? नोट्स का क्या करें? नोट्स आज भेजेंगे बेटा ठीक है। लता से कल बात हुई थी तो आप लोगों से आज भेज देंगे ठीक है। अभी तो आप सुनो कि सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर बात किसकी हो रही है? कोशिका संरचना। तो कोशिका संरचना के आधार पर शैवाल कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक तो बेटा होती है प्रोकैरियोटिक एल्गी, एक होती है यूकैरियोटिक एल्गी। शैवाल प्रोकैरियोटिक शैवाल व यूकैरियोटिक शैवाल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है इस प्रकार की कोशिका संरचना ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, मतलब नील हरित शैवालों में प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी होते हैं प्रोकैरियोटिक, वह ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इन प्रोकैरियोटिक शैवालों की कोशिका में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, आद्य केंद्रक पाया जाता है, और इनमें सेल ऑर्गेनिल्स जैसे कि प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, वो अनुपस्थित होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वे प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, वे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। डीएनए का नाम सुना है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में भी प्रोटीन का अभाव होता है। तथा सेल वॉल में कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में सेल वॉल में म्यूकोपेप्टाइड उपस्थित होता है, इनमें समसूत्री विभाजन का अभाव होता है। अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की, मतलब साइनोफाइसी के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में कोशिका संगठन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। इनमें सुसंगठित केंद्रक तथा कलाबद्ध कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कहने का मतलब है बेटा अपन आज बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका संरचना की, मतलब अपन देखते हैं एल्गी शैवालों की क्लास जो कि साइनोफाइसी है, उस क्लास साइनोफाइसी को छोड़कर सभी वर्गों में, सभी क्लासेस में जो कोशिका संगठन है, सेल स्ट्रक्चर है, वो यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। एक आती है मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक का मतलब है कोशिका संरचना डायनोफाइसी क्लास के सदस्यों में पाई जाती है। मतलब मीजोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें कलाबद्ध केंद्रक तो उपस्थित होता है परंतु उसमें गुणसूत्र तथा क्षारकीय प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। तो बात किसी करेंगे अपन यूकैरियोटिक एल्गल सेल की। मतलब एक अगर अपन यूकैरियोटिक शैवाल की संरचना देखते हैं तो क्या पाते हैं? एक तो होती है बेटा कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले अपन सेल वॉल की बात करते हैं तो अधिकांश शैवालों में कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण
उपस्थित होता है। कुछ शैवालों जैसे कि क्राइसोफाइसी वर्ग के क्रिप्टोमोनास में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। मैं क्या बता रही हूँ कि जो शैवाल हैं उनके कोशिकाओं की चारों तरफ क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन क्रिप्टोमोनास एक ऐसा शैवाल है, क्रिप्टोमोनास एक ऐसी एल्गी है जिसमें सेल वॉल का कोशिका भित्ति का अभाव होता है। मींस इन क्रिप्टोमोनास एल्गी विच कम्स अंडर द क्लास क्रिप्टोफाइसी द सेल वॉल इज एब्सेंट। तो क्रिप्टोफाइसी में सेल वॉल एब्सेंट होती है और क्रिप्टोफाइसी के क्रिप्टोमोनास में, क्रिप्टोमोनास क्या है, शैवाल है, और इस क्रिप्टोमोनास नामक शैवाल में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त चल बीजाणु तथा युग्मक भी भित्ति रहित होते हैं, मतलब जो स्पोर्स हैं और गेमेट्स हैं उनमें भी भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति दो परतों से बनी होती है, सेल वॉल दो परतों से बनी होती है, भित्ति की भीतरी परत सेल्युलोज की बनी होती है तथा बाह्य परत पेक्टिन अथवा सलेश्म की बनी होती है। अपन देखते हैं एल्गल सेल्स में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल क्या होती है बेटा, दो परतों से बनी होती है। तो आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज। जो बाह्य भित्ति है, बाह्य परत है, वो पेक्टिन की बनी हुई होती है, जबकि आउट इनर वॉल मतलब भीतरी भित्ति, भीतरी कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी हुई होती है। तो सेल्युलोसिक सेल्युलोसी कोशिका भित्ति सेल्युलोज के सूक्ष्म तंतुओं के से बनी होती है, मतलब सेल्युलोसी सेल वॉल सेल्युलोज के माइक्रोफाइब्रल्स सूक्ष्म तंतुकों से बनी होती है और ये तंतु दानेदार अथवा चिकने मैट्रिक्स में परतों में या अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। सूक्ष्म तंतुओं की विभिन्न अवस्था के कारण भित्ति छिद्रल लचीली अथवा कठोर होती है। इसी प्रकार पियोफाइसी वर्ग के शैवालों में सेल्युलोज के अतिरिक्त हेमी सेल्युलोज एल्जिनिक एसिड तथा फ्यूकोइडिन पाया जाता है। मैंने क्या बताया, जो कोशिका भित्ति है शैवालों में सेल्युलोज की बनी हुई होती है, लेकिन एक वर्ग है, क्लास है, कौन सी क्लास है, फियोफाइसी वर्ग। फियोफाइसी क्लास में जो भी शैवाल आते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, उनमें सेल्युलोज की तो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, लेकिन कोशिका भित्ति में हेमी सेल्युलोज एल्जिनिक एसिड व फ्यूकोइडिन भी पाया जाता है। जबकि रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल सदस्यों में जाइलंस तथा बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के सदस्यों में सिलिका का बाहुल्य होता है। मतलब एक रोडोफाइसी क्लास भी है, तो रोडोफाइसी क्लास में जो भी शैवाल आते हैं उनमें कोशिका भित्ति में जाइलन भी पाया जाता है। बेसिलेरियोफाइसी वर्ग में जो शैवाल आते हैं जैसे कि डाइएटम्स, उनमें सिलिका का बाहुल्य होता है। तो साइनोफाइसी वर्ग में भित्ति ग्लूकोसामीन, भित्ति क्या होती है, ग्लूकोसामीन, अमीनो एसिड, म्यूरेमिक एसिड तथा डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड की बनी होती है और इस प्रकार की कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीमेरिक कहलाती है। मतलब सेल वॉल म्यूकोपॉलीमेरिक कहलाती है, क्यों, क्योंकि इसमें, इस कोशिका भित्ति में अमीनो एसिड, म्यूरेमिक एसिड व डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड भी पाए जाते हैं। तो डेस्मिड्स तथा डाइएटम्स में कोशिका भित्ति दो भागों में विभक्त होती है तथा इनकी भित्तियों में
छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों से श्लेष्म का स्रवण होता रहता है जो उनकी गति में सहायक होता है। रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पट छिद्रयुक्त होते हैं जिन्हें गर्त संयोजक पिट कनेक्शंस कहते हैं। गर्त संयोजन के माध्यम से जीव द्रव्य संपर्क बना रहता है जैसे कि उगलीना है, जिम्नोडियम में वास्तविक कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकल उपस्थित होता है। मतलब बेटा जो डिस्मिट्स हैं, डायएटम्स हैं, उनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल दो भागों में विभक्त होती है और इनकी भित्तियों में छिद्र उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक की, न्यूक्लियस की। तो साइनोफाइसी के सदस्यों में केंद्रक अर्ध प्रकृति का होता है। बेटा जो एल्गी है उनके अनेक क्लासेस हैं, साइनोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, थियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, जेंथोफाइसी है। तो साइनोफाइसी वर्ग जिसमें की नील हरित शैवाल रखे गए हैं उसमें जो साइनोफाइसी एल्गी के सदस्यों में जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वो आद्य प्रिमिटिव प्रकार का होता है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस से आप क्या समझते हो कि केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है और इनमें केंद्रिका न्यूक्लियोलस व केंद्रक रस का भी अभाव होता है। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियर सैप इज एब्सेंट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ऐसे केंद्रक को आद्य केंद्रक कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, केंद्रिका न्यूक्लियोलस का अभाव होता है व न्यूक्लियर सैप केंद्रक रस भी नहीं पाया जाता, तथा डीएनए तंतुक हिस्टोन प्रोटीन से संयोजित होकर गुणसूत्रों का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब अपन देखते हैं डीएनए जब हिस्टोन से संयोजित हो जाते हैं, डीएनए हिस्टोन से संयोजित होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है, प्रारंभिक केंद्रक कहलाता है, तथा ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या शब्द है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब प्रारंभिक केंद्रक। इंसिपिएंट न्यूक्लियस से आप क्या समझते हो कि जो केंद्रिका है वो भी एब्सेंट होती है न्यूक्लियस में। मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस वो होता है इन विच द न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, एंड इवन द न्यूक्लियर सैप इज एब्सेंट, एंड द डीएनए डू नॉट कंबाइन विद द हिस्टोन टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। डीएनए तंतुक हिस्टोन प्रोटीन से संयोजित होकर क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों का निर्माण नहीं करते। अब बात करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के सदस्यों में भी केंद्रक सत्य केंद्रक नहीं होता है। डायनोफ्लैजेलेट्स में जो भी एल्गी आती हैं, उनमें भी सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनमें केंद्रक कला तो उपस्थित होती है परंतु सुसंगठित गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्यों, क्योंकि डायनोफ्लैजेलेट्स में जो भी शैवाल आती हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला तो उपस्थित होती है बेटा, लेकिन वेल डेवलप्ड सुसंगठित क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते, गुणसूत्र नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार के केंद्रक संगठन को मीजोकैरियोटिक कहते हैं। तो शैवालों के अन्य सभी वर्गों में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, तथा ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या कहलाती हैं, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रिमिटिव मतलब इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जिन कोशिकाओं में
सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और सुसंगठित केंद्रक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर सैप, हिस्टोन, प्रोटीन तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब सुसंगठित केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस पाया जाता है, वह न्यूक्लियर सैप केंद्रक रस भी उपस्थित होता है, वह हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होती है तथा क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अधिकतर शैवाल कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं। जो भी एल्गल सेल्स है बेटा कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, लेकिन क्लेडोफोरेल्स, कैरेल्स, वे साइफोनेल्स क्या क्या ऑर्डर है, क्लेडोफोरेल्स, कैरेल्स, वेसाइफोनेल्स आदि गणों में कोशिकाएं बहुकेंद्रिक होती हैं अथवा संकोशिक होती हैं। क्या है बेटा, ज्यादातर जो एल्गल सेल्स हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। मतलब शैवाल कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं, मतलब उनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ में जैसे क्लेडोफोरेल्स ऑर्डर में, कैरेल्स गण में, साइफोनेल्स गण में जो शैवाल कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्रकी पाई जाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट पाई जाती हैं। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल है वाउचेरिया, जो आपकी कोर्स में है, इसमें जो एल्गल का क्या नाम बताया मैंने, वाउचेरिया। वाउचेरिया कैसा होता है, बहुकेंद्रकी होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है और सिनोसिटिक होता है, संकोशिक होता है। तो एक केंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका भित्ति के निकट स्थित होता है, जबकि यह कोशिका द्रव्य तंतुओं द्वारा कोशिका के मध्य भाग में निलंबित रहता है। कभी कभी मतलब जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, कोशिका द्रव्य तंतुओं द्वारा कोशिका के मध्य भाग में भी निलंबित रहता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा में, जिग्नेमा में, और बहुकेंद्री कोशिकाओं में केंद्रक प्लास्टिड्स व रिक्तिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। केंद्रक गोलाकार, डिम्बाभ अथवा दीर्घित प्रकार के होते हैं, मतलब द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और इट मे बी डिस्कॉइड और इट इज इलोंगेटेड। तो केंद्रक कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, विम्भाव होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं, वे इलोंगेटेड होते हैं, दीर्घित होते हैं, और इनका आकार, केंद्रक का जो आमाप है वो 1 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो क्या बताया मैंने कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और सुसंगठित केंद्रक का क्या मतलब है कि केंद्रक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, न्यूक्लियर सैप भी पाया जाता है, वे हिस्टोन प्रोटीन तथा गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। और ज्यादातर जो एल्गल सेल्स हैं वो एक केंद्र की होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, लेकिन कुछ शैवालों में क्या कंडीशन पाई जाती है, कुछ शैवाल बहुकेंद्रकी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। तो एक केंद्र की कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस है वो सेल वॉल के निकट पाया जाता है। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रक की। अब बात करेंगे फ्लैजिला। पहले तो बात करी सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की, दूसरी बात करी न्यूक्लियस की, अब बात करते हैं फ्लैजिला, जिसको कि क्या कहते हैं बेटा, कशाभिका। तो साइनोफाइसी तथा रोडोफाइसी के अतिरिक्त सभी वर्गों के शैवालों में चल कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब एल्गी जो की जो क्लासेस है, जैसे कि साइनोफाइसी क्लास है या मिक्सोफाइसी क्लास है या रोडोफाइसी क्लास है,
उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जो मतलब साइनोफाइसी तथा रोडोफाइसी के अतिरिक्त सभी वर्गों के शैवालों में चल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कशाबिकाओं द्वारा गति करती हैं। कहने का मतलब है शैवाल जो है गतिशील होते हैं। मतलब ज्यादातर शैवाल कैसे है, दे आर एल्गी आर मोटाइल। Why the algae are motile? Because they have the flagella, and by means of flagella, algal movement takes place. मतलब शैवालों में कशाबिकाएं पाई जाती हैं। कशाबिकाएं को क्या कहते हैं, flagella। शैवालों में कशाबिकाएं पाई जाती हैं और इन कशाबिकाओं के द्वारा शैवाल जो है गति करती है। तो प्रत्येक कशाबिका के केंद्र में एक अक्षीय तंतु होता है जिसे एक्सोनीम कहते हैं। मतलब एक मैंने बताया फ्लैजिला पाई जाती हैं, तो ईच फ्लैजिलम हैज एन एक्सियल फिलामेंट व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सोनीम। प्रत्येक कशाबिका के केंद्र में एक अक्षीय तंतु होता है जिसे एक्सोनीम कहते हैं। ये धोरी झिल्ली से घिरा रहता है और जब अनुप्रस्थ काट में यह 9+2 तंतुक संरचना प्रदर्शित करता है तो इनमें 9 तंतुक परिधि पर तथा 2 तंतुक केंद्र में स्थित होते हैं। तो बेटा कशाबिका की संरचना कैसी होती है, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स आर फाउंड एंड 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स आर फाउंड। मतलब 9+2 तंतुक संरचना प्रदर्शित होती है, इनमें से 9 तंतुक परिधि पर पाए जाते हैं तथा 2 तंतुक केंद्र में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि आकारिकी एवं संरचना के आधार पर कशाबिकाएं 2 प्रमुख प्रकार की होती है। मैंने बताया जो शैवाल है मतलब वो किसके द्वारा गति करता है, कशाबिकाओं के द्वारा गति करता है। मतलब द एल्गा बिकम्स मोटाइल बाय मींस ऑफ फ्लैजिला एंड दीस फ्लैजिला आर ऑफ 2 टाइप्स। मतलब जो कशाबिका है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, प्रतोद प्रकार विप्लश टाइप और कुर्श प्रकार टेंसल टाइप। अब प्रतोद प्रकार किसे कहते हैं, तो इन कशाबिकाओं की सतह चिकनी होती है अर्थात इन पर रोम अनुपस्थित होते हैं, इन्हें एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी कहते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विप्लश टाइप, मतलब द फ्लैजिला हूज सरफेस इज स्मूथ, द फ्लैजिला हूज सरफेस इज स्मूथ और ऑन विच Flemers or mastigonemes are absent are called as whiplash flagella. Whiplash flagella किसे कहते हैं, जो जब कशाबिकाओं की सतह चिकनी होती है या इन पर रोम जो कि flemers या mastigonemes कहलाते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे कशाबिकाओं को प्रतोद कशाबिका कहते हैं, acronymatic भी कहते हैं। एक है कुर्श प्रकार टेंसल टाइप, तो इन कशाबिकाओं पर एक या अधिक पंक्तियों में पार्श्व सतह पर रोम उपस्थित होते हैं, इन्हें प्लूरोनिमेटिक प्रकार भी कहते हैं। मतलब टेंसल टाइप क्या होती है बेटा, मतलब द फ्लैजिला हैव फ्लेमर्स, द फ्लैजिला शो द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमर्स और मस्टिगोनेम्स and this type of flagella is also called as pleuronematic flagella. इसे और क्या कहते हैं, pleuronematic flagella कहते हैं। यदि कशाबिका पर रोम एक पंक्तिक विन्यासित होते हैं तो उसे स्टाइगोनिमेटिक प्रकार कहा जाता है। यदि कशाबिका पर रोम 2 पंक्तियों में विन्यासित होते हैं तो उसे पेंटोनिमेटिक प्रकार का कहा जाता है। मतलब if the flemers are arranged
on the flagella unilaterally, then it is called as stigonematic flagella. Or if the flemurs are arranged on the both rows, if the flemurs are arranged in two rows on the flagella, then it is called as pentonematic flagella. तो जो कशाबिका है बेटा वो भी दो प्रकार के हैं. एक तो मैंने बताया टिंसल, कुर्च प्रकार. तो कुर्च में आप क्या समझे कि इन कशाबिकाओं की सतह स्मूथ होती है, चिकनी होती है. चिकनी से क्या मतलब है कि इन कशाबिकाओं की सतह पर रोम नहीं पाए जाते. अब रोम को क्या बोलते हैं, फ्लीमर्स या मस्टिगोनीम्स. तो इन कशाबिकाओं की सतह पर फ्लीमर्स या मस्टिगोनीम्स नहीं पाए जाते. और एक मैंने बात किया आपसे टिंसल टाइप कुर्च प्रकार. तो इन कशाबिकाओं की सतह पर रोम उपस्थित होते हैं, फ्लीमर्स उपस्थित होते हैं. इन्हें प्लूरोनेमेटिक कशाबिका भी कहते हैं. तो कशाबिकाओं की संख्या स्थिति में विभिन्नता पाई जाती है. जैसे कि बेटा हाँ आवाज यह है क्लैमाइडोमोनास. शैवाल पड़ी होगी क्लैमाइडोमोनास आपने. तो क्लैमाइडोमोनास में अग्रस्त टर्मिनल फ्लैजिला पाए जाते हैं. इसी प्रकार उडोगोनियम में सब टर्मिनल कशाबिकाएं पाई जाती हैं. वे एक्टोकार्पस में पार्श्व कशाबिकाएं पाई जाती हैं. अपन क्या पढ़ेंगे, एक्टोकार्पस नामक शैवाल का भी अध्ययन करेंगे. एक्टोकार्पस नामक शैवाल में जो फ्लैजिला होती है वो पार्श्व स्थिति में पाई जाती है. मतलब इन एक्टोकार्पस एल्गी द फ्लैजिला आर लेटरली इंसर्टेड, देयर इज इन उडोगोनियम एल्गी द फ्लैजिला आर सब टर्मिनल इन पोजिशन. उडोगोनिया नामक शैवाल में जो कशाबिका है उप अग्रस्त स्थित होती है. ठीक है, अब शेल कोशिकाओं पर दो कशाबिकाएं पाई जाती हैं. कौन कौन सी शेल कोशिकाएं हैं बेटा, जैसे कि शेल बीजाणु है, जूस्पोर्स है, वह युग्मक है. युग्मक माने जैसे कि जो गेमेट्स हैं. ठीक है, अब इनकी संख्या एक युग्लिना में होती है चार. मतलब चल कशाबिकाओं मतलब जूस्पोर्स में भी क्या पाए जाते हैं, दो कशाबिकाएं पाई जाती हैं. लेकिन इनकी संख्या युग्लिना में तो एक होती है, चार युग्मक होती है, संख्या उडोगोनियम में पाई जाती है. मतलब कशाबिकाओं की संख्या एवं प्रकृति के आधार पर चल कोशिकाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं. मतलब एक तो है आइसोकोल्टे, सम कशाबिकी. तो सम कशाबिकी से आप क्या समझते हो, जब कशाबिका समान लंबाई एवं समान संरचना की होती है तो सम कशाबिकी कहलाती है. जैसे कि क्लैमाइडोमोनास. मतलब सम कशाबिकी किसको कहेंगे, जब फ्लैजिला कशाबिकाएं एक समान लंबाई की होती हैं एवं समान संरचना की होती हैं, तो ऐसी कशाबिकाएं सम कशाबिकी कहलाती हैं. अब है बेटा विषम कशाबिकी, मतलब हेट्रोकोंटे. तो जब कशाबिकाएं असमान लंबाई की होती हैं या असमान संरचना की होती हैं, तो इन्हें विषम कशाबिक कहते हैं. तो व्हाट इज हेट्रोकोंटे, विषम कशाबिकी किसे कहते हैं, जब फ्लैजिला जब कशाबिकाएं असमान लंबाई की होती हैं, अनइक्वल लेंथ की होती हैं या असमान संरचना की होती हैं, तो ऐसी कशाबिकाएं विषम कशाबिकी कहलाती हैं. एक है स्टेफेनोकोंटे, स्टेफेनोकोंटी. जब अनेक कशाबिकाएं उप अंतस्थ स्थिति में एक वलय में उपस्थित होती हैं, तो ऐसी स्थिति को स्टेफेनोकोंटी कहते हैं. तो जैसे कि उडोगोनियम. अब बात करते हैं आइस्पॉट और स्टिग्मा, नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु. मतलब गतिशील अथवा, हाँ बेटा
मैम प्लीज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की क्लास अलग अलग लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम बेटा बीच बीच इंग्लिश में मीडियम में समझ। आप इंग्लिश मीडियम से हो यस मैम तो इंग्लिश मीडियम यस में मैम रिपीट कर दूंगी बेटा अभी तो एक ही क्लास चलेगी अगर थ्योरी की होती ना तो पता चल जाती मैं दोनों में नोट्स भेज दूंगी आपको अभी ठीक है। अच्छा अभी तो नेत्र बिंदु अध्यक बिंदु के बारे में सुनू बेटा कि गतिशील अथवा कशाबिकी शैवाल कोशिकाओं में एक वर्णकित पिगमेंटेड कोशिकांग पाया जाता है जिसे द्रक बिंदु कहते हैं मतलब जो फ्लैजिलेटेड एल्गी एल्गल सेल्स है मतलब जो एल्गल सेल्स है जिनमें की फ्लैजिला पाया जाता है उनमें एक पिगमेंटेड ऑर्गेनिल पाया जाता है जिसका नाम क्या है आई स्पॉट है। तो आई स्पॉट गोलाकार अंडाकार रेखीय अथवा बिंदु सम लाल नारंगी रंग की संरचना होती है इसके लाल नारंगी रंग के कारण ही इसे रेड आई स्पॉट लाल नेत्र बिंदु भी कहते हैं मतलब आई स्पॉट इज रेड ऑरेंज इन कलर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड आई स्पॉट मतलब आई स्पॉट इज फाउंड इन द एल्गल सेल्स एंड दिस आई स्पॉट इज स्फेरिकल ओवल और लीनियर इन शेप एंड इट इज रेड ऑरेंज इन कलर आई स्पॉट लाल नारंगी रंग के कारण आई स्पॉट को रेड आई स्पॉट भी कहते हैं। तो आई स्पॉट कोशिका के अग्र मध्य या पश्चिम भाग में पाया जाता है यह हरित लवक या क्रोमेटोफोर के बाहर कोशिका द्रव्य में अथवा हरित लवक के भीतर स्थित होता है। तो क्लोरोफाइसी तथा क्रिप्टोफाइसी वर्ग के सदस्यों में ये प्लास्टिड में स्थित होता है तथा इसका कशाबिकाओं से कोई संबंध नहीं होता है। बेटा एक तो क्लास है क्लोरोफाइसी एक है क्रिप्टोफाइसी तो जितने भी शैवाल क्लोरोफाइसी में आती है या क्रिप्टोफाइसी में आती है उसमें जो आई स्पॉट है वो प्लास्टिड में स्थित होता है तथा इसका कशाबिकाओं से कोई संबंध नहीं होता है जबकि फियोफाइसी तथा जेंथोफाइसी वर्ग के सदस्यों में यह आई स्पॉट प्लास्टिड में पाया जाता है किसमें होता है प्लास्टिड में स्थित होता है लेकिन इसका कशाबिकाओं से संबंध होता है। इसी प्रकार यूग्लिनोफाइसी में आई स्पॉट कोशिका के अग्र भाग में क्लोरोप्लास्ट के बाहर स्थित होता है वे क्लोरोफाइसी वे डायनोफाइसी वर्गों के कुछ सदस्यों में आई स्पॉट लिपिड ग्लोब्यूल्स से बना होता है तथा ये कणिकाएं झिल्ली में पटलिकाओं में पंक्तिबद्ध विन्यासित होती हैं। तो इन कणिकाओं में कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है कुछ अन्य सदस्यों में यह लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस तथा पिगमेंटेड कप से निर्मित होता है। तो आई स्पॉट किससे बना होता है एक तो पिगमेंटेड प्लेट से बना हुआ होता है एक फोटोसिंथेटिक रीजन होता है आई स्पॉट में। तो आई स्पॉट के बारे में अपन ने चर्चा करी और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार द्रक बिंदु आई स्पॉट एक छाया करने वाला कोशिकांग है जो क्या है आई स्पॉट इज ए शेडिंग ऑर्गेनिल। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार वैज्ञानिकों के अनुसार आई स्पॉट एक छाया करने वाला कोशिकांग है अतः नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु एक सहायक अंगक का कार्य करता है अर्थात प्रकाश के अनुसार शैवाल की गति के